शांति। जब से ब्रह्मा कुमारी बनी है तो तीन बातों ने लाइफ में बहुत मदद दी है। 70 साल से ऊपर हो गया लेकिन 70 साल की लाइफ ऐसी सुंदर बीती है जो मैं भगवान का शुक्रिया मानने के बिगर रह नहीं सकती, क्योंकि नियमानुसार पहले भजन गाते थे, रात गवाई सो के दिन गवाया खाके, अभी दिन कैसे शुरू होता है रात कैसे करनी है, तो ये बाबा ने सिखाया। सवेरे अमृत वेले उठना, 4 बजे से पहले उठना, 4 बजे अमृत वेले याद करना, आंखें खुली रहे, भले हमारे पास गीत भी बजता है, हम चले वतन के ओर, खींच रहा है कोई हमको डाल के प्रेम की डोर। परमात्मा बाप कहते बच्चे सवेरे 4 बजे को अमृत वेला कहा जाता है, उस समय बहुत शांति का होता है, समय के महत्व बहुत है। उस घड़ी अभी परमात्मा की पहचान है ना, अपन को आत्मा समझ, परमपिता परमात्मा के याद में, और कुछ बात याद नहीं आती। माता पिता है ना परमात्मा, जैसे माँ के रूप में जगाता है, बाप के रूप में सिखाता है, ऐसे मेडिटेशन में बैठो, डीप जाओ। एक परमात्मा बाप जो सर्वशक्तिवान है, ये ज्ञान मिला है ना, तो जिस बात की समझ होती है ना, पहचान से याद करते हैं, प्राप्ति होती है। भक्ति में भी माला फेरते, ध्यान में बैठते, पर पहचान परमात्मा की पहचान नहीं है तो ध्यान नहीं लगता है। अभी ज्ञान मिला है परमात्मा में ध्यान लगाने का, जो बात में ध्यान देते हैं ना तो लिंक जुट जाती है। कनेक्शन, रिलेशन हो कनेक्शन न हो, उसको कहें परमात्मा तो मात पिता है, पर लगाओ देहधारियों की तरफ है, नहीं नहीं, जिसका रिलेशन है कनेक्शन भी ऐसा हो, तू ही मेरे माता पिता, तू ही है, तू ही मेरा शिक्षक है, तू ही मेरा सखा है। अमृत वेले 4 से 4:45 बजे तक हम संगठित रूप में बैठते हैं, सभा का वातावरण बहुत पावरफुल होता है। ये शुरू में बाबा ने सिखाया है, बच्चे आंख बंद करके नहीं बैठना है, बंद करेंगे तो और बुद्धि कहीं और चल रहा है, आँखें खुली है तो ध्यान जाता है, इधर उधर नहीं देखना। ऐसे प्यारे परमात्मा की अमृत वेले से जब याद में बैठते हैं, फिर उनसे दिनचर्या जो शुरू होती है नेक्स्ट बताएंगे। पहले आप भी अमृत वेले ऐसे याद में बैठने का, ओम शांति, स्वयं एक ओम, मैं शांत, बस फिनिश।
है।